बॉटल भर के मैंने ये हेल्दी और टेस्टी सा सिरप बनाया है और बनाने का खर्चा 20 रुपए से भी कम है। इसमें ना लगभग 100 ग्लास शरबत आराम से मिनटों में तैयार हो जाता है। आप इसे बनाकर साल भर तक आराम से स्टोर करके रख सकते हैं। एकदम नेचुरल है, वो भी बिना कोई फूड कलर के, बिना कोई प्रिजर्वेटिव के। देखा जाए ना तो 1 रुपए में 5 ग्लास शरबत आराम से बनता है। तो चलिए फटाफट बनाना शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं रश्मि और आपका स्वागत है रे किचन में। और अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अब यहाँ पे आप 3 तरह की चीनी देख सकते हैं। ये है खड़ी शक्कर, जिसे रॉक कैंडी भी कहते हैं, और ये मिश्री, जिसे रॉ शुगर भी कहते हैं, और ये हमारी नॉर्मल चीनी यानी कि शक्कर है, और ये सभी के घर में होती ही है। तो मैं आज ना खड़ी शक्कर से इस रेसिपी को बनाने वाली हूँ। आप यहाँ पे मिश्री भी ले सकते हैं। ये दोनों काफी हेल्दी होते हैं और आयुर्वेदा में इनके काफी सारे फायदे हैं। ये अनरिफाइंड शुगर होती है, इसलिए ये हेल्दी भी होती है, और साथ ही में अगर आपको कफ या कोल्ड है तो उसमें भी ये काफी फायदा देती है। पर अगर आपके पास ये ना हो तो कोई बात नहीं, आप इस रेसिपी को नॉर्मल चीनी से भी बना सकते हैं, या फिर अगर आपके पास गुड़ है तो आप गुड़ से भी इसे बना सकते हैं। और हाँ, अगर आप डायबिटीज पेशेंट है तो आप यहाँ पे शुगर फ्री का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप क्या करें, डॉक्टर से कंसल्ट करके यहाँ पे जो आपको सूट करता है वो आप यहाँ पे यूज करें। ये 2 लीटर वाला बर्तन है जिसमें मैंने आधा पानी लिया है, यानी कि 1 लीटर मैंने यहाँ पे पानी लिया है। तो यहाँ पे मैंने ना 1/3 कप खड़ी शक्कर को मिक्सी में पीस कर उसका पाउडर बना लिया है। पाउडर फॉर्म में होने की वजह से ये जल्दी पानी में घुल जाएगा। अब फिलहाल इसे हम साइड में रख देते हैं और चलिए कुछ पुदीना गार्डन से तोड़ लेते हैं। 1 कप इतना पुदीना हमें यहाँ पे चाहिए। देखिए कितना फ्रेश है, एकदम हरे हरे पत्ते हैं। ढेर सारा पुदीना मैं यहाँ पे ले रही हूँ। इनका डंटल हमें यहाँ पे नहीं चाहिए, तो सिर्फ हम यहाँ पे पत्ते ही लेंगे। पुदीना को मिंट लीफ भी कहते हैं। ये अस्थमा, कफ में काफी फायदेमंद है। साथ ही में ये हमारी इम्यून सिस्टम को भी बढ़ाता है और ये स्किन के लिए भी काफी अच्छा है। और हाँ, ये साथ में डाइजेशन में भी हेल्प करता है। तो देखिए इतना मैंने यहाँ पे ले लिया है, और इसी के साथ मैं यहाँ पे 12 से 15 पत्ते तुलसी के भी ले रही हूँ। अब तुलसी के अलग से आपको बेनिफिट्स बताने की जरूरत नहीं, हम सभी को पता है कि तुलसी अपने आप में कितनी गुणकारी, कितनी औषधि है। अब यहाँ पे मैंने लिया है मिक्सी का जार, और जो हमने पुदीना के पत्ते हैं ना, उसे मैंने अच्छे से साफ करके उसका डंठल अलग करके पत्तों को अच्छे से धोकर ले लिया है। तो ये सारा का सारा इसमें डाल देंगे। इसी के साथ हमने तुलसी के जो पत्ते लिए थे उसे भी मैंने अच्छे से धोकर वॉश करके ले लिया है, वो भी डाल देते हैं। एक छोटा सा टुकड़ा मैंने यहाँ पे अदरक का लिया है, इसे इस तरह से कट करके डालेंगे। आप ड्राई जिंजर का पाउडर भी ले सकते हैं अगर आपके पास है तो। इसी के साथ मैं एक छोटा चम्मच सौंफ भी डाल रही हूँ। सौंफ की जो तासीर होती है ना, वो ठंडी होती है, इसलिए गर्मी में ना स्पेशली सौंफ का शरबत भी पिया जाता है। अब यहाँ पे मैंने 1/2 कप ठंडा पानी लिया है, वो इसमें डालेंगे, और कुछ मैं इसमें आइस क्यूब भी डाल रही हूँ इसके साथ। इससे क्या होगा, इसका जो कलर है ना वो हरा का हरा बरकरार रहेगा, ये काला नहीं पड़ेगा। तो चलिए अब हम इसे पीस लेते हैं। ये देखिए इसे मैंने पीस लिया है। तो यहाँ पे ना टोटल 1 कप ठंडा पानी इस्तेमाल किया है, इस बात को आप ध्यान में रखें। यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई ली है और इस तरह की छलनी ली है, क्योंकि जो जूस है ना इसे हमें छान कर लेना है, जिससे ना हमें एकदम क्लीन और क्लियर जूस मिले, और जो अदरक है, सौंफ, पुदीना जो हमने इसमें डाले उसके रेशे हमारे मुंह में ना आए, इसलिए इसे छान कर लेना बहुत जरूरी है। अच्छे से इसे ना दबा दबा कर अच्छे से प्रेस करते हुए सारा जो जूस है वो हम अलग कर लेंगे। तो ये देखिए जो सारे रेशे बचे हुए हैं ये हमें नहीं चाहिए, तो इसे हम साइड में कर देंगे। और ये देखिए कितना नेचुरल हरा कलर यहाँ पे इसे अच्छे से मिला हुआ है। अब इसमें हम ऐड करेंगे 1 कप पीसी हुई खड़ी शक्कर का पाउडर, अच्छे से मिला देंगे, और साथ ही में कुछ ऐड कर लेते हैं इस। तो 1/2 छोटा चम्मच मैंने यहाँ पे भुना हुआ जीरा पाउडर लिया है, 1/2 छोटी चम्मच कुटी हुई काली मिर्च, 1/2 छोटा चम्मच चाट मसाला, 1/2 छोटा चम्मच काला नमक। सबको अच्छे से आप मिला देते हैं। अब ये जो फ्लेवर मैंने यहाँ पे ऐड किए हैं ये मैंने अपने टेस्ट के अनुसार डाले हैं, आप कम ज्यादा भी यहाँ पे कर सकते हैं। आप चाहो तो यहाँ जलजीरा पाउडर जो आता है ना वो भी ले सकते हैं अगर आपके पास हो तो आपको बाकी के मसाले यहाँ पे डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब इस मैजिकल सिरप को हम लंबे समय तक स्टोर करने के लिए इसमें ऐड करेंगे 1/2 चम्मच
सफेद सिरका यानी कि विनेगर। इससे क्या होगा, इसका टेस्ट जो है ना लंबे समय तक बरकरार रहेगा, ये बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। आप विनेगर के बदले यहाँ पे साइट्रिक एसिड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर साइट्रिक एसिड सबके घर में अवेलेबल नहीं होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे विनेगर का इस्तेमाल किया है यानी कि सिरके का इस्तेमाल किया है। अच्छा, सिरका जो है आप यहाँ पे ज्यादा नहीं डालेंगे, बस आधा चम्मच ही आपको डालना है, आधा छोटा चम्मच मैंने डाला है, इस बात का ध्यान रखें। अब इस सिरप को हमें पकाना है, तो चलिए कढ़ाई को गैस पे चढ़ा देते हैं। गैस को मैंने ऑन कर लिया है। अब जैसे ही इसमें आपको इस तरह का उबाल नजर आए, हम क्या करेंगे, आंच को मीडियम फ्लेम पे करेंगे और इसे तब तक पकाएंगे जब तक कि जो मिक्सर है ना हल्का गाढ़ा ना हो जाए। इसमें ना हमें एक या दो तार वाली चाशनी नहीं बनानी है, बस इसे इतना गाढ़ा करना है कि जब हम इसे टच करें तो ये बिल्कुल शहद की तरह यानी कि हनी की तरह चिपचिपा लगे। इसे ना बीच बीच में चलाते रहना बहुत जरूरी है। अभी आप देख सकते हैं इसे पकते हुए लगभग 5 मिनट हो गए हैं, अच्छा खासा इसमें उबाल आ गया है और ये हल्का गाढ़ा भी लगने लगा है। तो चलिए चेक कर लेते हैं। ये देखिए, इस तरह से चेक करेंगे, ये एक तार वाली चाशनी बिल्कुल भी नहीं बनी है, बट ये हाथों में ना इस तरह से घुमा रहे हैं तो बिल्कुल ही चिपचिपा लग रहा है। अब मैं आपको दूसरा तरीका बताती हूँ। इस तरह से जब हम चम्मच इसमें मिला के इस तरह से उठाएंगे, बीच में इस तरह से लाइन बनाएंगे, अगर ये आपस में जुड़ नहीं रही है यानी ये परफेक्टली पक चुका है। तो देखिए, इससे ज्यादा इसे पकाना नहीं है, इससे ज्यादा पकाएंगे तो ये बहुत ज्यादा गाढ़ा हो जाएगा, तो बहुत ज्यादा हमें गाढ़ा नहीं चाहिए, इसलिए हम अब गैस को ऑफ कर देंगे, क्योंकि ठंडा होने पर ये ऐसे भी गाढ़ा हो जाएगा। अब इसे हल्का ठंडा होने देते हैं। अब देखिए, ये हल्का ठंडा हो चुका है कि हम इसे आसानी से छू सकते हैं। पहले के मुकाबले अभी आप देख सकते हैं ये जो सिरप है ये थोड़ा ज्यादा गाढ़ा हो गया। अब इसमें डालेंगे हमारा मेन इंग्रेडिएंट जो कि है नींबू। तो मैंने 1/4 कप नींबू का जूस लिया है यानी कि रस लिया है। इसमें आप देख सकते हैं कि इसका पल्प भी है, मुझे इसका पल्प अच्छा लगता है। आप चाहो तो नींबू के रस को छानकर भी ले सकते हैं। अब इसे हम अच्छे से मिला देंगे। आप यहाँ पे नींबू के रस की जो क्वांटिटी है ना वो थोड़ी ज्यादा कम कर सकते हैं, डिपेंड है आपको कितना खट्टा पसंद है। तो ये हमारा लेमन मिंट मसाला कॉन्सेंट्रेट बिल्कुल तैयार है शरबत के लिए। आप इसे इस तरह से बनाकर कोई भी कांच की बॉटल या फिर प्लास्टिक की बॉटल है उसमें भरकर रख सकते हैं। आप देख सकते हैं कितना क्रीमी गाढ़ा, बिल्कुल मार्केट में मिलता ना वैसे ही बना है और उससे कई ज्यादा टेस्टी है और हेल्दी भी है, क्योंकि हमने ना तो इसमें कोई प्रिजर्वेटिव डाला है ना अलग से कोई कलर डाला है। आप इसे फ्रिज में स्टोर करके आराम से रख सकते हैं और पूरी गर्मी इंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं इसे हम कैसे शरबत बनाएंगे। तो सबसे पहले हमने पीसी हुई चीनी डालकर जो पानी रेडी करके रखा था, इस पानी को ना मैंने फ्रिज में ठंडा करने के लिए रखा हुआ था, ये अच्छे से चिल्ड हो गया है। तो इस पानी में सबसे पहले हम डालेंगे कुछ पुदीना के पत्ते इस तरह से तोड़कर, साथ ही में मैंने नींबू के रिंग्स कट करके लिए है। एक नींबू को इतना पतले पतले रिंग्स में कट किया, इससे काफी बढ़िया और फ्लेवर आएगा। और यहाँ पे मैंने चिया सीड्स यानी कि जो सब्जा होता है उसे ना मैंने पानी में सोख करके रखा था, तो ये अच्छे से फूल गया है। तो ये मैं लगभग 3 बड़े चम्मच के करीब डाल रही हूँ। अगेन आपको जितना डालना है, आपको जितना पसंद है उतना आप डाल सकते हैं, कोई पर्टिकुलर क्वांटिटी नहीं है। गर्मी में स्पेशली इसे खाना चाहिए, काफी ठंडक देता है हमारे शरीर को। अब इसमें हम लगभग 3 बड़े चम्मच के करीब जो हमने ये टेस्टी सा लेमन मिंट मसाले कॉन्सेंट्रेट रेडी करके रखा है ना वो डालेंगे। अच्छा, ये एक साथ बहुत ज्यादा नहीं डालना है, इसका जो फ्लेवर है ना वो काफी स्ट्रांग होता है, तो आप क्या करें थोड़ा थोड़ा करके डालें, उसके बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लें, एक बार टेस्ट करें, उसके बाद आप शुगर और सिरप एडजस्ट करें। अगर आपको लगेगा कि थोड़ा मीठा कम है तो थोड़ा और चीनी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। देखिए अभी से कितना टिमटिंग लग रहा है, कितना प्यारा कलर आ चुका है। थोड़े से आइस क्यूब भी इसमें डाल देते हैं। आइस क्यूब आप तब डालें जब आपको इसे सर्व करना है। अब चलिए फटाफट ये ठंडा ठंडा रिफ्रेशिंग करने वाला जो हमारा शरबत है ये बिल्कुल रेडी हो चुका है, चलिए फटाफट सर्व भी कर लेते हैं। तो इतने शरबत में 6 जन आराम से इंजॉय कर सकते हैं। अगर आपके पास चिया सीड नहीं है कोई बात नहीं, बिना इसके भी इस शरबत को बनाया जा सकता है। आप चाहो तो ने इसी शरबत से पॉप्सिकल बना सकते हैं, आइसक्रीम बना सकते हैं, या फिर आप इसी सिरप को सोडे के साथ मिलाकर कॉकटेल मॉकटेल की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी डेजर्ट में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वाओ, देखिए क्या जबरदस्त बना है, देखते ही मुंह में पानी आ रहा है ना, वो भी घर में रखी हुई चीजों से, और इसके लिए ना 1 रुपए का भी खर्चा नहीं हुआ अलग से, सारी चीजें हमारे किचन में ही अवेलेबल थी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी इंटरेस्टिंग लगी है तो मुझे लाइक और सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करें और अपने दोस्तों में इस रेसिपी को शेयर करना ना भूलें।